जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर। ये आपको रूल्स जो हैं वो याद रखने हैं। कुछ रूल्स हैं इसमें, जैसे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था आपने, क्वांटम नंबर्स पढ़ा था, और आगे आप हुंड्स रूल भी पढ़ेंगे और ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ये सारे रूल्स इसी चैप्टर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और ये बार बार आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कंपटीशन में भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पॉली जो है वो साइंटिस्ट का नाम है। ओके, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इनका पूरा नाम क्या है? वोल्फगैंग पॉली। कब दिया था इन्होंने रूल? 1926 में। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स। तो देखिए, अभी तक हमने कैलकुलेट करना सीख लिया था क्वांटम नंबर्स। चार क्वांटम नंबर हो सकते हैं, फोर टाइप के। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो जब भी आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कभी भी, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, सपोज़ 2p है, 2p में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सपोज, ओके, तो इनमें देखिए 2 जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगी, p की वैल्यू भी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगी, और m की वैल्यू जो होगी वो डिफर होगी। जैसे p में इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो 1, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, तो m की वैल्यू इन दोनों के लिए डिफरेंट होगी, क्योंकि s की वैल्यू भी दोनों के लिए प्लस हाफ सेम होगी। तो यानी जब चारों क्वांटम नंबर की हम बात करें कि पूरा सेट उनका हमेशा डिफरेंट होता है, ये पॉसिबल नहीं है कि चारों क्वांटम नंबर्स इक्वल हो इसमें। ओके, तो लेकिन यहाँ पर उसी चीज़ को डिफाइन किया गया है। देखिए, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स। दूसरी लैंग्वेज में, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन मे एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। अब जब हम बात करेंगे, सपोज़ यहाँ 2p की जगह 2p 4 कर दें, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे? 1, 2, 3 एंड 4। फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा अपोजिट स्पिन। तो देखिए, इनकी सारी वैल्यू सेम होंगी, m की वैल्यू भी सेम होगी, n और l और m, बट s की वैल्यू यहाँ पर डिफर हो जाएगी, एक की प्लस हाफ होगी तो एक की माइनस हाफ हो जाएगी। ओके, जो सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट, जैसे px, py और pz में है, तो px वाले में दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे, एक की वैल्यू प्लस हाफ और एक की माइनस हाफ। तो अगर n, l, m तीनों सेम हो भी जाएं तो s कभी भी इक्वल नहीं होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू अपोजिट हो जाती है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। दिस मीन्स दैट द टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर थ्री क्वांटम नंबर n, l एंड m, बट मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन क्वांटम नंबर। इसी चीज़ को इस तरह से लिखा है, ठीक है? तो आप इनमें से किसी भी तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। यानी जिस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने हैं किसी शेल में, वो कैसे पता चलता है? 2n स्क्वायर से। यानी फर्स्ट शेल में अगर हम देखें तो फर्स्ट शेल में वैल्यू क्या होगी? 2। सेकेंड शेल में वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 2 रख दें, 2 स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8। ओके, 3 के लिए यहाँ कर देता हूँ 3 स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 18, एंड 4 के लिए 32 होगी। ओके, तो ये होता है नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द शेल। ऐसे आप 2n स्क्वायर फॉर्मूले से बता सकते हैं। नेक्स्ट इज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब देखिए, यहाँ भी इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, सिर्फ को रिलेट कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग मैंने आपको कई बार करके बताया है, तो ये भी आपके लिए बहुत नया नहीं है, बट आपको ये याद रखना है। हुंड्स रूल में देखिए, हुंड नाम आ रहा है, ये भी हंड्स रूल भी बोलते हैं, तो ये नाम है साइंटिस्ट का। ओके, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सब शेल p, d और f, यानी किसी भी एक के लिए बात हो रही है, डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सब शेल हैज़ गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, मीन्स दैट इज सिंगली ऑक्यूपाइड। यानी ये सिंपल है, आपको पता है s में जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है तो 1, एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब फिल होता है तो 2। p में जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है तो आपको पता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है, सिंगली ऑक्यूपाइड होता है सब, 1, 2, 3
फिर 4, 5 एंड 6। तो हमेशा ये पहले हाफ फिल्ड होते हैं पूरी तरीके से, उसके बाद उनमें पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड डीजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल। डीजेनरेट मतलब जब उनकी एनर्जी सेम हो सबकी। ओके, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड डीजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल एक्वायर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू देयर सिमेट्री। तो इनकी सिमेट्री की वजह से इनमें ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है, इस वजह से ये हाफ फिल्ड कंप्लीट करने के बाद ही फिर फुल फिल्ड की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हाफ फिल्ड होने पर भी इनमें स्टेबिलिटी आ जाती है। अब देखिए डी की बात करें हम, तो डी में कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिर 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट होती है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में फिल होते हैं और उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होती है। द इलेक्ट्रॉन दैट आर एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक शेल विल द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इन्होंने ये भी बता दिया इसमें कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शुरू करते हैं कहीं भी शेल नंबर से, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, तो उसमें आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज सोडियम के लिए होता है, सोडियम में 11, 2, 8, 1, ओके 2, 8, 1 होता है, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। ऑक्सीजन के लिए 2 एंड 6, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 6, तो वही उसकी वैलेंसी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन वैलेंसी का मतलब है, वैलेंसी को जब आप डिफाइन करते हैं तो आप कहते हैं कि उतने इलेक्ट्रॉन जितने वो लूज़ करके या गेन करके या शेयर करके वो अपने आप को स्टेबल करता है, सेटिस्फाई करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है, उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन और गेन करता है जब ऑक्सीजन पे 2- होता है और ये 2, 8 हो जाता है, तब ये स्टेबल होता है। ओके, तो यहाँ वैलेंसी होती है -2। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में यही डिफरेंस होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे और वैलेंसी 2 होगी यहाँ ऑक्सीजन की। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है और हुंस रूल को हमेशा आपको ये एक्सप्लेन करना है कि 2p4 कंडीशन में कभी भी 1, 2, 3, 4 ये करेक्ट है। ओके, एक तरीका ये होता है, भर के दिखाते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, क्या ऐसा हो सकता है कि ये वैकेंट रहे और ये दोनों फिल्ड हो जाएं, फुल फिल्ड? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, और हमेशा यहाँ पर जैसे कहा गया कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ज़्यादा स्टेबल कंडीशन मानी जाएगी, तो आपको ये करना है इसमें हाफ फिल्ड कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है। हाफ फिल्ड बोलेंगे पी में 1, 2, 3, ये हो गया P3, और P6 यानी जब 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो P3 एंड P6 कंडीशन फुल फिल्ड है। ऐसे डी में हाफ फिल्ड D5 और फुल फिल्ड D10, F में F7 एंड F14, ये हाफ फिल्ड, ये फुल फिल्ड, ये हाफ फिल्ड, ये फुल फिल्ड, इस तरीके से आप इनको ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल मानते हैं। इसका रीज़न भी और दिया हुआ है, इसको आप और डिस्कस करिएगा। ठीक है, डाउट क्लास में भी हम इसे डिस्कस करेंगे और आप इसे बुक से भी पढ़िएगा। ओके, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं जो बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं, इसको आपको और डीप में भी जाकर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं बुक में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, उससे कोई डाउट हो तो उससे डाउट सेशन में पूछ सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये रूल्स आप स्पेशली सब लोग डिफाइन करना भी और विद एग्जांपल इसको याद करना सीख लीजिएगा। मैं आपसे जब भी डेफिनेशन पूछूं तो आपको एग्जैक्टली डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ओके, और विद एग्जांपल। ओके, थैंक यू।